आज आपकी सेकंड दिन की वोकैब, कल आपको काफ़ी कुछ समझाया, आइए आप आज थोड़ा सा तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा तेज नहीं, हड़बड़ी नहीं, लेकिन थोड़ा वो चीज़ें जो कल बार बार बता रहा था वो आज नहीं बताऊंगा। अब आप आइए सीधे देखिए नेक्स्ट एबडिकेट। अब मेरे साथ चलिए, एबडिकेट करना, व्हाट थ्रोन, थ्रोन को एबडिकेट करने का मतलब है राजगद्दी छोड़ देना, मतलब राजा का पद त्याग देना, और एबडिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कितना कॉम्बिनेशन, एबडिकेट अगर थ्रोन को एबडिकेट करेंगे तो राजगद्दी छोड़ना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एबडिकेट करने का मतलब है जिम्मेदारी से भागना, पल्ला झाड़ लेना। यहाँ एबडिकेट का मतलब है इस्केप, मतलब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, उससे भागना। द पुलिस कैन नॉट एबडिकेट, पुलिस एबडिकेट नहीं कर सकती, पुलिस एबडिकेट नहीं कर सकती। बोलो व्हाट, सभी लोग प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज बोलिए, आप कोऑपरेट कीजिए। चलिए बोलिए फिर से, पुलिस कैन नॉट एबडिकेट, पुलिस कैन नॉट एबडिकेट, पुलिस एबडिकेट नहीं कर सकती, पुलिस एबडिकेट नहीं कर सकती। व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एबडिकेट नहीं कर सकती। को का सेंस है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ जिरेंड है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। मेरे साथ चलिए, क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, कौन, पुलिस, ये है। आगे देखो, अब आगे क्विट, क्विट ये भी है छोड़ना, तो एबडिकेट भी छोड़ना है। थ्रोन छोड़ने का मतलब राजगद्दी छोड़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने का मतलब जिम्मेदारी से भागना, पल्ला झाड़ना। अब देखो यहाँ पर क्विट आईटीबी और टीबी दोनों है छोड़ देना। स्कूल और जॉब ऑब्जेक्ट है, स्कूल और जॉब को क्विट करने का मतलब, या किसी स्थान को क्विट करने का मतलब, छोड़कर चले जाना, और इसका सिनोनिम लीव दे रहा है। अब कॉम्बिनेशन देखो, इफ यू आर नॉट इंजॉइंग व्हाट योर जॉब कॉमा यू मस्ट क्विट। अब ये क्विट बताइए, सभी लोग बोलिए, ये क्विट टीबी है या आईटीबी है? तो एक लड़का कह रहा है टीबी है। मैं कह रहा हूँ कि जब जॉब की बात ऑलरेडी हो ही गई है तो इसका मतलब है कि पद त्याग देना। यहाँ पर ये आईटीबी की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पुअर चिल्ड्रन क्विट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्विट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है। गरीब बच्चे छोड़ देते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, व्हाट देयर स्कूल ड्यू टू व्हाट पॉवर्टी, ड्यू टू का मतलब है के कारण। मेरे साथ चलिए प्लीज, गरीबी के कारण अपने स्कूल को छोड़ देते हैं। द ब्रिटिश क्विट, अब देखो ये ब्रिटिश 1947 में छोड़ दिए थे, ये क्विट पास्ट सिंपल है, और ये क्विट तो आम गरीब लोगों की बात है जो दिनचर्या में अक्सर ऐसा होता है, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल है और ये पास्ट सिंपल है, क्योंकि 1947 पास्ट की बात है, तो क्विट के तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं, क्विट क्विट क्विट। तो यहाँ पर ब्रिटिशों ने, जो अंग्रेजों ने क्विट किया, किसको, इंडिया को, मतलब छोड़कर चले गए, कहाँ तुम चले गए, वो है ना एक गाना, तो छोड़कर चले गए भारत को 1947 में। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार फिर से देखो, मेरे साथ बोलिए, क्योंकि इस सेशन का मेरा पर्पज़ ये है आपको मीनिंग याद भी करवाना। एबडिकेट करना व्हाट थ्रोन, एबडिकेट करना व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रोन को एबडिकेट करने का मतलब राजगद्दी छोड़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एबडिकेट करने का मतलब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। अब देखो क्विट स्कूल या जॉब हमेशा के लिए छोड़ देना, समझो लीव, आप रोज 4 बजे छुट्टी होती है स्कूल से तो आप स्कूल रोज लीव करते हो, लेकिन क्विट करने का मतलब पढ़ाई छोड़ दिया। जॉब को क्विट करने का मतलब वो जो जॉब है उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या है, लीव। तो प्लेस को क्विट अगर करेगा तो उस स्थान से हमेशा छोड़कर चला जाएगा, अबेंडन का सेंस है फ्रेंड्स। तो अभी तक जो इतनी सिनोनिम आपको, इतने वर्ड्स बताए, एबडिकेट, रिलिंक्विश, उसके बाद रेनाउंस, और ये वर्ड है क्या, क्विट, ये सब आप याद कर लो तो आपकी जो है, इससे आपको जो है बहुत फ़ायदा रहेगा। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सिनोनिम, हर जगह ये फ़ायदा करेगा आपको।
आगे चलिए, डिस्कार्ड अब दे रहा है, डिस्कार्ड ये भी है, निजात पाना, छुटकारा पाना, समथिंग अनवांटेड, ये लड़का समझ नहीं पा रहा है, समथिंग ऑब्जेक्ट है और अनवांटेड, अनचाही, अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब जो बुरी हो। अब एक लड़का कह रहा है कि इसके बाद एडजेक्टिव क्यों आ रहा है, इसके बाद एडजेक्टिव क्यों आ रहा है, ये लड़का ये कह रहा है देखो समथिंग जो है इसका एडजेक्टिव इसके पहले नहीं इसके बाद ही आता है, एक थोड़ा अपने माइंड में रखो, एनीथिंग समथिंग एवरीथिंग का जो एडजेक्टिव होता है ना ये इसके बाद में ही आता है, थोड़ा माइंड में लिख लो। अब इसका सिनोनिम देखो, ये फ्रेजल वर्ब है डिस्पोज ऑफ और डिस्पेंस विद, एक लड़का कह रहा है ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो जरा लिख लो, यदि कोई वर्ब फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन लिखो, यदि कोई वर्ब किसी प्रेपोजिशन या यदि कोई वर्ब किसी प्रेपोजिशन अथवा किसी एडवर्ब के साथ मिलकर, किसी एडवर्ब के साथ मिलकर मिलकर किसी न्यू सेंस, कोई नया सेंस क्रिएट करते हैं, नया सेंस क्रिएट करते हैं तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को, उस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एक बार फिर से चलिए, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, यदि कोई वर्ब चाहे वो टी बी हो या आई टी बी हो, अगर किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर अगर अपने पूरे मीनिंग को चेंज कर दे तो पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब। आइए देखिए, इस लड़के को कहो कि डिस्पोज ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब किसी बुरी चीज से छुटकारा पाना, और डिस्पेंस विद का मतलब ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी बुरी चीज से छुटकारा पाना। अब सेंटेंस देखो, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड, माने डिसाइड किया, टू डिस्कार्ड, डिस्कार्ड करने के लिए, या गेट रिड ऑफ द ओल्ड सीज, अब चाहे तो डिस्कार्ड बोलो या तो गेट रिड ऑफ बोलो, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा, या तो डिस्कार्ड ऑब्लिक है ये, ऑब्लिक गेट स्मॉल, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, तो मैं चार कह रहा हूँ कि यहाँ ये भी लिख लो, गेट रिड ऑफ, ये तीनों फ्रेजल वर्ब हैं, तीनों का मतलब है छुटकारा पाना, निजात पाना किसी बुरी चीज से, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड टू डिस्कार्ड या गेट रिड ऑफ द ओल्ड सिस्टम एंड अडॉप्ट द न्यू वन, पुरानी प्रणाली है उससे छुटकारा पाने का निर्णय लिया, और अडॉप्ट माने अपनाना, अडॉप्ट का मतलब क्या है, अपनाना, क्या न्यू वन, वन का मतलब यहाँ पर सिस्टम के लिए है, नए प्रणाली नई व्यवस्था को अडॉप्ट माने अपनाना, अपनाना, एक्सेप्ट एंड यूज, एक लड़के को कह दो कि ये अडॉप्ट लिख ले, अडॉप्ट का मतलब यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्ट प्लस यूज, लिखो भैया एक्सेप्ट प्लस यूज, स्वीकार करना और फिर उसको यूज करना, अपनाना, तो अडॉप्ट, एक लड़का कह रहा है अडॉप्ट तो गोद लेना होता है, यस, अब देखो यही तो सीखने आए थे, अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट अ चाइल्ड, अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो उसका मतलब है गोद लेना, और अगर किसी किसी टेक्निक को, किसी प्रणाली को, किसी सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे तो अपनाना, एक्सेप्ट प्लस यूज, तो यहाँ पर समझो प्लीज़, ये लड़का समझ नहीं पा रहा है कि ये डिसाइडेड पास सिंपल है, डिसाइडेड के बाद ये इन्फिनिटिव टू ले रहा है, मैं कह रहा हूँ वो ये लड़का कह रहा है कि यहाँ भी अडॉप्टेड क्यों नहीं हुआ, ये भी टू है, टू प्लस अडॉप्ट, ये भी है टू अडॉप्ट, अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन ये टू कॉमन फैक्टर होने से यहाँ पर नहीं आता है टू, बस एक बार आ गया वही काम चल जाएगा, तो एक बार फिर से मेरे साथ चलो, नए सिस्टम को अपनाने और पुराने सिस्टम से निजात पाने के लिए निर्णय लिया एजुकेशन का विभाग।
अब या तो डिस्कार्ड रहेगा, या तो गेट रिड ऑफ रहेगा, या तो डिस्पेंस विथ रहेगा, या तो डिस्पोज ऑफ रहेगा। ये ध्यान दो, कोई बुरी चीज़ कोई भी बुरी चीज़ जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो। अब देखो, ये पूरी सीरीज एक सीरीज थी जिसमें छोड़ना, त्यागना, छुटकारा पाना कितने वर्ड्स बता दिए, और इसका कॉम्बिनेशन प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ना। ये अब अलग सीरीज शुरू करते हैं, अबाउट व्हाट, किसी पर्सन को, किसी वस्तु को या किसी एक्टिविटी को क्या करना, अत्यंत घृणा करना, नैतिक रूप से बुरी चीज़ों को, खास तौर से ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, अबहोर और हेट, इसका सिनोनिम देखो, हेट भी है, डिटेस्ट भी है, लोथ भी है, डिस्पाइज भी है। प्लीज़ आप बोलो, प्लीज़ याद हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास का मकसद आपको वोकैब याद कराना भी है। चलो मेरे साथ बोलो, अबहोर का मतलब क्या है? घृणा करना, फील स्ट्रॉन्ग हेटरेड, ये हेटरेड नाउन है फॉर समथिंग, और ख़ास तौर से वो नैतिक रूप से बुरी चीज़ से घृणा हो तो। अब इसका चलो, अब और का सिनोनिम, फर्स्ट सिनोनिम बोलिए हेट, सेकंड बोलिए डिटेस्ट, थर्ड बोलिए लोथ, फोर्थ बोलिए डिस्पाइज, चारों का मीनिंग क्या है? घृणा करना। अब इसका एंटोनिम बोलो लव या एडमायर। या शी अबॉर्स, वो घृणा करती है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, वॉट ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन बैठता है, लेकिन अगर वर्ब बैठाना था तो ड्रिंकिंग जिरेंड है, ये जिरेंड है, और ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, मतलब वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को बहुत क्या करती है, हेट करती है। तो ये मतलब इसको बुरा मानती है कि बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। आइए नेक्स्ट, एक है अबॉलिश, अ कस्टम, खास तौर से डॉरिश सिस्टम को समाप्त करना या छुटकारा पाना, ये समाप्त करने का सेंस है। गेट रिड ऑफ, रिमूव, स्क्रैप, डू अवे विथ, ये फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब, ये भी फ्रेजल वर्ब। किसी कस्टम, डॉरिश सिस्टम है, कोई कस्टम है, कस्टम का मतलब एक लड़का जानना चाह रहा है, उस लड़के से बोलो रीति रिवाज, रीति रिवाज। अब देखो, और इसका एंटोनिम क्या है? रिटेन, रिटेन माने बनाए रखना। सोसाइटी मस्ट, अब देखो डू अवे विद, ये फ्रेजल वर्ब है, द डाउरी सिस्टम, मैं बोलूँगा सोसाइटी को डू अवे विद, डू अवे विद, डू, आप बोलना व्हाट, सोसाइटी मस्ट डू अवे विद, सोसाइटी मस्ट डू अवे विद, सोसाइटी मस्ट डू अवे विद व्हाट, द डाउरी सिस्टम, समाज को डाउरी प्रथा से निजात पाना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए, या उसको खत्म कर देना चाहिए। अबॉलिश अ कस्टम, डाउरी कोई भी चीज, सिस्टम कोई भी हो सकती है। अब देखो, अबॉलिश व्हाट, अ लॉ या एक्ट, ऑब्जेक्ट बदल गया, टीवी वही था, मीनिंग बदल गई। अबॉलिश अ लॉ या एक्ट, उस कानून को खारिज करना या रद्द करना। देखो फ्रेंड्स, ये वाले अबॉलिश का सिनोनिम बोलो, कानून को कैंसिल कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, रिसाइंड कर सकते हैं, क्वाश कर सकते हैं, अनल कर सकते हैं। मेरे साथ इन वर्ड्स को रटो, ये सारे का मतलब वही है, किसी लॉ को अबॉलिश करने का मतलब उस लॉ को कैंसिल करना, फिर से बोलो, उस लॉ को रिपील करना, फिर से बोलो, उस लॉ को रिवोक करना, फिर से बोलो, उस लॉ को रिसाइन करना, फिर से बोलो, उस लॉ को क्वाश कर देना, फिर से बोलो, उस लॉ को अनल करना, ऐसे बोलो। करना, इस ऑब्जेक्ट पर एक्शन कराने के लिए बोलना पड़ेगा, तब माइंड में फिट बैठेगा। कोई कानून है, एक्ट का मतलब यहाँ पर कानून भी होता है, एक्ट भी कानून, लॉ भी कानून। ओके, फिर से चलो, अबॉलिश, किसी लॉ को अबॉलिश करने का मतलब, किसी कानून को अबॉलिश करने का मतलब उस कानून को कैंसिल कर देना, उस कानून को रिपील कर देना, उस कानून को रिवोक कर देना, उस कानून को रिसाइन कर देना, उस लॉ को क्वाश कर देना, उस लॉ को अनल कर देना, को अनल कर देना। इन सारे में करने का सेंस लगाओ और को का सेंस लगाओ, तब पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट लेगा। अब इसका देखो, द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हैज अबॉलिश, खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, क्या सरकार ने कोई कानून बनाया, पास्ड बाई द पार्लियामेंट, बाई प्रपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट मेरे साथ चलो, संसद के द्वारा पास किए गए कानून को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, ये है फ्रेंड्स। अब्रोगेट, ये भी वही है,
एब्रोगेट फॉर किसी एग्रीमेंट और किसी लॉ को रद्द कर देना, या तो आपसी सहमति के द्वारा या हायर अथॉरिटी के द्वारा। तो अब देखो जो ऊपर वाले जो वर्ड्स थे, एब्रोगेट, रिपील, अबॉलिश, रिसाइंड, और इसका और भी था क्वाश, ये सारे ऊपर वाले वर्ड्स है, इधर आ जाएंगे। तो बोलो कि फिर फर्क क्या है एब्रोगेट, एब्रोगेट। दो पार्टियों ने कोई एग्रीमेंट किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, कोई एग्रीमेंट किया था, और दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो यार अब इसको ख़त्म करते हैं, तो क्या है, रद्द करना। लेकिन हायर अथॉरिटी अभी दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहने का मतलब जो एब्रोगेट है ये यही मीनिंग देता है। लेकिन कोई आपस में देखो, इसके पहले वाली जो मीनिंग थी क्वाश, रिपील, वो हायर अथॉरिटी के द्वारा था, लेकिन एब्रोगेट जो है दोनों ही सेंस में यूज हो सकता है, समझो, आपस में सहमति के द्वारा भी हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया, या कोर्ट ने, कोई भी कोर्ट हो, सरकार के डिसीजन को रद्द कर दिया, तो हायर अथॉरिटी ने उसको रद्द कर दिया। एब्रोगेट में दोनों अर्थ है, हायर अथॉरिटी भी है और साथ में आपस में सहमति से मिलकर भी रद्द कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। एब्रोगेट दोनों मीनिंग देता है, जो ये इसके पहले वाली मीनिंगें थी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई बड़ा अधिकारी अपने से जूनियर के आदेश को रद्द कर दिया, कानून को, लॉ को रद्द कर दिया, और यहाँ एब्रोगेट में भी वो सारी मीनिंग है। लेकिन साथ में एक जो इसकी मीनिंग है खास तौर से, इसको देखो कि आपस में सहमति के द्वारा भी दो कंपनियों ने, दो पार्टियों ने अपने एग्रीमेंट को रद्द कर दिया, तो ये भी होता है। तो इसमें जो एग्रीमेंट है, या एग्रीमेंट आपसी सहमति से अगर रद्द कर दिया तो ये भी होता है। अब देखो अब्यूज़ अ पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आप, मैं जानता हूँ 6-7-8 से ही इस वर्ड को जानते हो, लेकिन एक ही वर्ड जानते थे, किसी पर्सन को अब्यूज करने का मतलब गाली देना, और ये स्वेयर माने, एक लड़का कह रहा है स्वेयर माने तो शपथ लेना होता है, लेकिन उस लड़के से कहो ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर कसम खाना नहीं है, यहाँ गाली देना है। ये फ्रेजल वर्ब में, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, अगर कोई वर्ब जैसे गाली देने का सेंस देने वाले वर्ब एट के साथ मिलकर अगर अपनी मीनिंग चेंज करके, सॉरी, स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेना, स्वेयर, स्वोर, स्वोर्न, लिखो स्वेयर, देखो स्वेयर, स्वेयर, शपथ लेना, ये ITV है। ही स्वेयर का सेकेंड फॉर्म स्वोर, ही स्वोर बाय गॉड, उसने भगवान का कसम खाया, ये सेंस है, उसने भगवान का कसम खाया। और ये देखो एक स्वेयर है ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब लिखो शपथ दिलाना, शपथ दिलाना होता है, ठीक है ना, शपथ दिलाना। तो द प्रेसिडेंट, अब ये लड़का नहीं समझ पा रहा, एक मिनट थोड़ी गलती हो गई, ये स्वेयर है ITV, शपथ लेना, अब ये मीनिंग चेंज कर रहा है, स्वेयर इन स्वेयर इन फ्रेजल वर्ब है, और ये आगे ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब जैसा ये काम करता है, इसका मतलब है शपथ दिलाना, शपथ दिलाना, पद की, कोई पद वगैरह की शपथ दिलाना, लिखो किसी पोस्ट, वो वाला शपथ नहीं कि मैंने अपने दोस्त को शपथ दिलाया, वो नहीं। द प्रेसिडेंट सेकेंड फॉर्म लिखो, स्वोर इन 3 न्यू मिनिस्टर्स। अब ये लड़का नहीं समझ पा रहा है सेंटेंस, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया, शपथ दिलाया हुम, किसको, 3 नए मंत्रियों को, ये फ्रेजल वर्ब, एक स्वेयर का मतलब था कसम खाना, ITV है, ही स्वोर बाय गॉड, ये ITV है, देख लो, और ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये स्वेयर इन फ्रेजल वर्ब है, शपथ दिलाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे
ऑब्जेक्ट लेगा और यह जो है पद वगैरह के लिए, पद के लिए शपथ दिलाना। द प्रेसिडेंट स्वोर इन 3 न्यू मिनिस्टर्स, 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाया। अब ये यहाँ पर जो दे रहा है, वापस चलो ना, लिख लो, थोड़ा फास्ट लिखो भैया, फास्ट लिखो। अब ये स्वेयर एट, ये दूसरा फ्रेजल वर्ब है, किसी आदमी पर गाली की बौछार करना, गाली देना, किसी आदमी के ऊपर गाली की बौछार करना, गाली देना। अब देखो, अब्यूज अ पर्सन, स्वेयर एट, इसको याद रखो, ये गाली देने का अर्थ है। तो अब यहाँ पर ये तो मीनिंग ही जानते हो, राम अब्यूज्ड श्याम, राम ने श्याम को गाली दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर स्वेयर एट लिखोगे तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्वोर एट। अब अब्यूज का दूसरी मीनिंग, यही तो समझने के लिए आए थे, प्लीज अंडरस्टैंड, ये भी वर्ब ये भी टीवी। अगर किसी पर्सन को अब्यूज करने का मतलब गाली देना, किसी पोजीशन या पद को अब्यूज करने का मतलब उस पद का दुरुपयोग करना, मिसयूज करना, एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट करने का मतलब है यूज इलीगली, अनफेयरली, यूज अनफेयरली लिख लो, अनफेयरली यूज करना। मेरे साथ फिर चलो, किसी पोजीशन माने पद है, पावर माने सत्ता है, पद का या सत्ता का, पोजीशन माने पद है, उसको अब्यूज कर रहे तो गाली नहीं दोगे। कोई पद को गाली देता है क्या, कोई सत्ता को गाली, यहाँ गाली का सेंस नहीं है, उसका मिसयूज करना, दुरुपयोग करना। देखो, द मिनिस्टर अब्यूज्ड हिज पोजीशन फॉर मेनी इयर्स, इयर्स में यस है, और इस लड़के को बोलो, यहाँ फॉर का मतलब तक लगा है, और इसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यह सही है। तो मंत्री ने दुरुपयोग किया अपने पद का अनेक वर्षों तक, ये है इंग्लिश। आगे चलिए, फिर से चलो, अभी उसकी किसको, बच्चों को, जानवरों को, तो कुत्ते के पास जाकर और उसको खूब गाली दो, और छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, उसको जाके गाली दो, ये है क्या, नहीं। यहाँ बच्चे को और एनिमल को अब्यूज करने का मतलब है उसके साथ दुराचरण करना, ट्रीट समवन वायलेंटली और सेक्सुअली, जानवरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, मिसट्रीट, मॉल ट्रीट, इल ट्रीट। यहाँ इल माने भी बैड है, और मॉल माने भी बैड है, और मिस माने भी बैड है। लिखो, ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्स हैं, मिस, मॉल। एक लड़का नहीं समझ पा रहा, उसको कहो, जैसे मॉल क्या होता है, न्यूट्रिशन, तो उस लड़के के से कहो कि मॉल न्यूट्रिशन, मॉल माने कुदृष्टि, बुरी दृष्टि, कुदृष्टि, बुरी दृष्टि, तो उसी तरह से कुपोषण, बुरा पोषण, किसी को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, मॉल न्यूट्रिशन। तो अब देखो, द चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, यतीम खाना, इसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बताओ तो ऑर्फनेज को क्या बोलते हैं, बताओ तो क्या बोलते हैं ऑर्फनेज को, बोलो ऑर्फनेज को क्या बोलते हैं। अरे यार, कोई ऑर्फन होता है, ऑर्फन बच्चे को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग ऑर्फन नहीं जानते हो, कोई बच्चा ऑर्फन हो गया, उसके माता पिता नहीं हैं, तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं, जिस बच्चे के माता पिता मर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो बच्चा यतीम। और जहाँ वो जिस हाउस में, जिस मकान में रहते हैं, उन बच्चों को रखा जाता है, वो क्या होता है, ऑर्फनेज, यतीम खाना, जिन बच्चों के माँ बाप अनाथालय, ये होता है अनाथालय। और जो ऑर्फन क्या होता है, बच्चे, अनाथ। अब वर अब्यूज, ये पैसिव है, पैसिव में वर अब्यूज आता है, आप जानते हैं, बाय द वार्डन, वार्डन का मतलब वहां का जो सुपरिंटेंडेंट था, जो सुपरिंटेंडेंट, जो वहाँ का सुपरवाइजर समझो, सुपरवाइजर जो था उस ऑर्फनेज का, उसके द्वारा उन बच्चों के साथ दुराचरण किया गया। वी मस्ट नॉट अब्यूज एनिमल्स, इट इज़ इल्लीगल, हमें जानवरों के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्या है, इल्लीगल है,
ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। और अब देखो कितना अच्छी अच्छी मीनिंग है, और मैं आपकी जगह होता तो मैं को तो बहुत एक्साइटमेंट मिलता, क्योंकि मैं बचपन से अब्यूज़ माने तो गाली देना ही पड़ा था, लेकिन किसी एनिमल या किसी बच्चे को अब्यूज़ करने का मतलब दुराचरण करना भी पड़ा, और किसी पोस्ट को और पोजीशन को अब्यूज़ करने का मतलब है उसका मिसयूज करना, और किसी ड्रग्स या अल्कोहल, ये HOL अल्कोहल, किसी ड्रग या अल्कोहल को अब्यूज़ करने का मतलब अत्यधिक सेवन करना। ही डाइड एट एन अर्ली एज, वह बहुत, देखो एज के साथ एट इसको भी याद करो, बहुत जल्दी उम्र मर गया, बिकॉज माने क्योंकि ही हैड अब्यूज ड्रग्स फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि अनेक वर्षों तक, अब देखो ये डाइड पास सिंपल है तो उससे पहले वह सेवन कर चुका था, इसलिए पास्ट परफेक्ट लगा दिया मैंने, यही सब सीखने के लिए आए थे। क्या ये कह सकते हो कि मीनिंग को रटना और जो ये तरीका है मीनिंग को समझकर उसको यूज करना और उसका सिनोनिम एंटोनिम रटने का जो तरीका है, ये तरीके में और उस तरीके में कितना फर्क है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। अक्लेम, अब अलग सीरीज शुरू हो रही है, अक्लेम, अक्लेम ट्रांजिटिव वर्ब करने का सेंस लगाइए, चलिए यहाँ करना लगाइए, और फिर व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको दिमाग में फीड करने का तरीका अपनाओ। अक्लेम करना, किसको, पर्सन को अक्लेम करना या किसी थिंग को अक्लेम करना, इसका मतलब है प्रेज पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना, इसका सिनोनिम है प्रेज, वेलकम, हेल, हेल टीवी वाला हेल, कमेंड, कमेंड है ये, एक लड़का उससे समझो ये सोच रहा है ना कि ये स्पेलिंग गलत है, एक होता है कमेंट, कमेंट किसी पर टिप्पणी करना, उस लड़के को बोलो ये अलग चीज़ है, और ये डी है कमेंड, कमेंड है, और इसका एंटोनिम है क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। अब देखो सेंटेंस, द एक्सपर्ट्स अक्लेम्ड, अक्लेम किया किसको, द बुक को, थिंग, बुक को अक्लेम किया, मतलब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, एज अ मास्टर पीस, मतलब उसको एक मास्टर पीस कहकर उस रूप में उसकी प्रशंसा की, एज के रूप में, तो यहाँ मास्टर पीस की, ये किताब एक मास्टर पीस है, इस रूप में ऐसा कहकर उस बुक को उन्होंने अक्लेम किया। अक्लेम, ये लड़का नहीं समझ पा रहा है, सार्वजनिक रूप से सबके सामने 10, 20, 50, 100, 500, 1000 लोग के सामने या मीडिया में अगर प्रशंसा कर रहा है ना, तो प्रेज पब्लिकली अक्लेम पर्सन या थिंग। अब है अपलॉड, तो यहाँ पहले करना जोड़िए, चलिए जोड़िए, और फिर किसको अपलॉड, किसको, स्पीकर को अपलॉड, किसको, किसी परफॉर्मर को जो डांस कर रहा है, सिंगर है या कोई प्लेयर है, शॉट खेला और उसके बाद सेंचुरी बनाकर अब विराट कोहली वापस जा रहा है तो उसको अपलॉड करते हैं, तो तालियां बजाकर प्रशंसा करना। द ऑडियंस माने श्रोता, अपलॉडेड, अपलॉड किया किसको, स्पीकर को, स्पीकर ने भाषण दिया, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर उसके बाद खूब जबरदस्त भाषण दिया, और भाषण दे के जब वापस आने लगा अपने सीट पर, तालियां बजाकर स्वागत करना अपलॉड है। तो बोलो अक्लेम क्या है, प्रेज पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना अक्लेम है, प्रेज, वेलकम, हेल, कमेंड, और इसका अपोजिट क्या है, क्रिटिसाइज, यही सब सीखने के लिए आए थे फ्रेंड्स। अब एक चीयर है, चीयर करना, फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब है करना लगाओ, और टीवी है इसलिए आगे पर्सन या थिंग किसको का क्वेश्चन पूछो, करना तो आई टीवी में भी लगता है, लेकिन क्वेश्चन व्हाट और हुम का क्वेश्चन टीवी के ही साथ होता है। चलो चीयर करना किसको, किसी पर्सन को या उसके एक्शन को, तो उसको चीयर करना, तो अब इसका जो है क्या मतलब, वही सेम चीज, तालियां बजाकर स्वागत करना, यहां लिख लो, लिखा नहीं है, नहीं, बोलकर, 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 मुंह से बोल करके, द सपोर्टर्स चीयर द प्राइम मिनिस्टर When he came onto the stage, अब देखो यही सब तो इनको सीखना है, बोलकर, बोलकर किसी की प्रशंसा करना। एक लड़का कह रहा ताली बजाकर तो करते हैं, बोलकर कैसे, come on, come on, Kohli, come on, या ऐसे, ओ ऐसे करके,
शोर करते हैं, मतलब प्रशंसा में शोर करते हैं, तो वो होता है चीयर। तो बोलकर प्रशंसा करना चीयर, और तालियां बजाकर प्रशंसा करना अप्लाउड। यही सब तो सीखना अपने को। और सुनो, इस चीयर नाउन भी है और प्रेज भी नाउन है, और इसका जो देखो प्रेज अप्लाउड ये वर्ब है, और अप्रूवल ये कॉमन करो इसे, अप्रूवल एडमिरेशन कमेंडेशन ये सब क्या है, नाउन फॉर्म्स हैं, ये नाउन फॉर्म्स हैं, ये नाउन फॉर्म्स हैं। द सपोर्टर्स चीयर्ड द पीएम, किसको, पीएम को चीयर किया मतलब बोल करके, व्हेन ही केम ऑन टू द स्टेज, नारा लगाते हैं ना किसी के प्रशंसा में, जिंदाबाद, ये भी चीयरिंग है। तो एक लड़का कह रहा है ये तो स्लोगन है, स्लोगन है, स्लोगन नारा लगा रहा है, लेकिन क्या करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए। अब इस तरह से हमने जो है आज इतने वर्ड्स किए। अब एक लड़का कह रहा है कि इसको एक बार जो है ना बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे, धीरे धीरे वर्ड्स की संख्या बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक लड़का ये कह रहा है कि इसको जो है थोड़ा सा अब धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि एक ही दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नए स्टूडेंट्स हैं फिर वो परेशान होने लगते हैं। आइए एक बार फिर से याद कराता हूँ, आप सभी लोग क्लास के अंदर, आप सभी लोग बोलना, मेरा इस क्लास का पर्पज क्या है, आपको मीनिंग आपके दिमाग में याद करवा देना, सेट करवा देना, एग्जाम्पल के द्वारा समझा कर एनकरेज करके सिनोनिम और एंटोनिम भी याद करवा देना, घर जाके एक बार इसको जरूर पढ़ना। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। चलिए एब्डिकेट, पहले आंख करना लगाओ वर्ब है, और टीवी है तो व्हाट, व्हाट का क्वेश्चन पूछो, एब्डिकेट व्हाट थ्रोन, चलिए एब्डिकेट व्हाट बोलिए थ्रोन, अब इसकी मीनिंग बताइए, राजगद्दी छोड़ना। फिर चलिए यहां भी करना लगाइए, एब्डिकेट करना व्हाट, आप बोलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए एब्डिकेट करना व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यहां पर एब्डिकेट करना व्हाट थ्रोन को, तो यहां राजगद्दी छोड़ना और यहां जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। द पुलिस कैन नॉट एब्डिकेट, पुलिस एब्डिकेट नहीं कर सकती व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोलिंग क्राइम्स, ये जिरेंड है लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब इस पर एक्शन कर रहा है मेरे साथ, चलो क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कौन, पुलिस। अब देखो क्विट, क्विट आई टी बी टी बी दोनों मेरे साथ चलो, क्विट करना किसको, स्कूल या जॉब को, क्विट करना किसको, किसी स्थान को, और इसका सिनोनिम क्या है, लीव। इफ यू आर नॉट इंजॉइंग योर जॉब, यदि आप अपने जॉब को इंजॉय नहीं कर रहे हैं आपको छोड़ देना चाहिए, अब यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये क्विट क्या है, आई टी बी है। अब आगे देखो पुअर चिल्ड्रन, अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल ले रहा है, क्यों कि ये आम गरीब बच्चों की बात हो रही है, यहाँ ता है तीह का सेंस है, गरीब बच्चे क्विट कर देते हैं व्हाट स्कूल, किसके कारण, पावर गरीबी के कारण। द ब्रिटिश, अब ये देखो 1947 की बात है, सेकेंड फॉर्म, अंग्रेजों ने छोड़ दिया किसको, इंडिया को, कब, 1947 में, ये है मीनिंग। चलिए फिर चलिए डिस्कार्ड, अब यहां करना लगाओ, डिस्कार्ड करना किसको, कोई ऐसी चीज जो अनवांटेड हो, अब इसका सिनोनिम बोलो डिस्पोज ऑफ, फिर से बोलो डिस्पेंस विद, और एक और क्या बोला, गेट रेड ऑफ, ये गेट रेड ऑफ। तो अब इस सेंटेंस में देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया, शिक्षा के विभाग ने डिसाइड किया टू डिस्कार्ड या टू गेट रेड ऑफ, ये फिर ऑब्लिक लगा रहा हूँ, या तो डिस्कार्ड लगाओगे या तो गेट रेड ऑफ लगाओगे। एक लड़के से मैं फिर कह रहा हूँ, बताओ फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब वे वर्ब होते हैं जो किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर अपने मीनिंग को चेंज कर दें, तो ये फ्रेजल वर्ब है। आगे देखो अबॉर, अबॉर करना लिखो यहाँ पर, करना, अबॉर करना किसको, होम पर्सन को, किसी थिंग को, किसी एक्टिविटी को, और खास तौर से वो नैतिक रूप से बुरी चीज हो, अब इसका सिनोनिम बोलो हेट, फिर से बोलो डिटेस्ट, फिर से बोलो लोथ, फिर से बोलो डिस्पाइज, एंटोनिम बोलिए, एंटोनिम लव एडमायर। अब देखो शी अबॉर्स, वह अबॉर घृणा करती है व्हाट, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ओके। अबॉलिश, अबॉलिश करना लगाओ,
अबॉलिश करना. वॉट? किसी कस्टम को, कस्टम माने रीति रिवाज को, जैसे डाउरी सिस्टम एक रीति रिवाज है, उसको समाप्त करना, छुटकारा पाना. गेट रिड ऑफ, रिमूव, देखो रिमूव ट्रांजिटिव वर्ब, रिमूव. स्क्रैप भी होता है, स्क्रैप, ये याद करना, स्क्रैप. डू अवे विथ, ये फ्रेजल वर्ब है, और इसका अपोजिट क्या है? रिटेन, बनाए रखना. रिटेन, बनाए रखना. अरे मेंटेन का है क्या? रिटेन. अब सोसाइटी मस्ट, डू अवे विथ फ्रेजल वर्ब है, डू अवे विथ, डू अवे विथ व्हाट? डाउरी सिस्टम. डाउरी सिस्टम से छुटकारा पाना चाहिए, किसको? समाज को. अब देखो यही अबॉलिश, किसी कानून या एक्ट, एक्ट का मतलब भी कानून है. अब चलो किसी लॉ को अबॉलिश करने का मतलब खारिज करना, रद्द करना. यहाँ पर इसका सिनोनिम देखो, कैंसिल, रिपील, रिवोक, रिसाइंड, क्वाश, एनल. द सुप्रीम कोर्ट हैज अबॉलिश व्हाट? कानून को उसने खत्म कर दिया. पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून को ख़त्म कर दिया. किसने? सुप्रीम कोर्ट ने. मेरे साथ एक बार फिर चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर चलिए, चलिए बताइए यही इस अबॉलिश और इस अबॉलिश में फ़र्क बताइए. अबॉलिश, इसको ज़रा ख़त्म करने दो मुझे, मेरे साथ चलिए प्लीज़. कस्टम को अबॉलिश करने का सिनोनिम बोलो, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, रिमूव, स्क्रैप, डू अवे विद. इसका एंटोनिम बोलो, बोलिए रिटेन. अब बोलते चलिए, किसी कानून या एक्ट को अबॉलिश करने का सिनोनिम बोलिए, कैंसिल करना, रिपील करना, रिवोक करना, रिसाइन करना, क्वाश करना, एनल करना. इसमें बहुत मजा आया मुझको, क्यों? कि आप तो यही पढ़े थे अभी, यूज़ माने गाली देना, ए बी यू एस सी. अब दिमाग खुल रहा है, क्यों ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि एक ही मीनिंग, ऑब्जेक्ट बदलने से एक ही वर्ड अपनी मीनिंग बदल लेता है. क्लोज टेंस फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएगा और मैं कर ही नहीं पाऊंगा. इसलिए किसी पर्सन को अब्यूज करना, गाली देना, स्वेयर एट, फ्रेजल वर्ब. और एक स्वेयर इन का मतलब बताइए, चलिए आप बताइए, चलिए आप बताइए, फ्रंट रो, राइट साइड फ्रंट रो, बताइए, बोलिए, खड़े होइए, बताइए. ब्लू शर्ट, फ्रंट रो में ब्लू शर्ट में बैठे हुए, खड़े होइए, हाँ बोलिए. कि अगर किसी किसी स्वेयर इन का मीनिंग बता दीजिए, स्वेयर इन का मतलब क्या होता है? बोलो, ब्लू शर्ट, बोलिए फ्रंट रो. स्वेयर इन का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब है. राष्ट्रपति ने तीन मंत्रियों को स्वेयर इन, मतलब उनको क्या? उनको शपथ दिलाना पद और गोपनीयता की. और यहां पर स्वेयर एट का मतलब गाली देना, फ्रेजल वर्ब. और चलो भगवान कसम खाने का बोलो, स्वेयर बाय गॉड. अब इधर चलो, किसी पोजीशन को, किसी पावर को गाली देना, अब्यूज करना, जाकर उस पद के पास जाओ और उसको गाली दो, ऐसे ये नहीं. पद और पोजीशन को गाली देने का मतलब सिनोनिम बोलो, मिसयूज. और बोलो एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट का मतलब है यूज अनफेयरली. अब्यूज़, किसी बच्चे को, एनिमल को, एनिमल को अब्यूज़ करने का मतलब गाली देना? नो, इसका मतलब है उसको मिसट्रीट करना, मॉल ट्रीट करना, इल ट्रीट. तीनों का मतलब है दुराचरण, बुरा व्यवहार. ट्रीट समवन, किसी को ट्रीट करना, कैसे? वायलेंटली या सेक्सुअली. अब आगे देखो, अब्यूज़ व्हाट? ड्रग्स या अल्कोहल. एक लड़का जानते हो क्या कह रहा है? कि दवा लेकर या शराब पीकर किसी को गाली देना, इसका मतलब ये निकाल रहा है. ऐसे ऐसे मीनिंग निकालते हैं यार. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि किसी ड्रग्स या अल्कोहल को उसका अत्यधिक सेवन करना, ठीक है, इसका मतलब है ये अब्यूज़. अब चलो फिर बोलो, अक्लेम करना, यहाँ करना लगा रहा हूँ मैं. और आप पूछना, अक्लेम, किसी पर्सन को अक्लेम करने का मतलब प्रेज पब्लिकली. किसी के एक्शन को अक्लेम करने का मतलब सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना. प्रेज, वेलकम, हेल. हेल यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है. एक लड़का जानते हो क्या कह रहा? बैठा हुआ है और इसका हेल, अरे वो तो एच ई डबल एल होता है. हेल का मतलब होता है नर्क नाउन, ये अलग चीज़ है और ये अलग है. हेल, कमेंड, इसका अपोजिट क्या है? क्रिटिसाइज करना. और अब चलो, अपलॉड, किसी स्पीकर को, यहाँ करना लगाओ.
करना लगा और व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछो. अपलोड हुम, किसी स्पीकर को या किसी परफॉर्मर को. अपलोड करने का मतलब तालियां बजाकर स्वागत करिए और इसका नाउन बोलिए. अ बिग, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. अब ये लड़का एकदम नहीं समझ पा रहा है कि प्रेपोजिशन आ गया तो अपलॉड अप्लॉज बन के क्या बन गया, नाउन. अप्लॉज, अप्लॉड का नाउन बोलो क्या होता है, अप्लॉज. नोट करना. तो यहां पर तालियां बजाकर. अब नेक्स्ट है, अब इस लड़के को कहो कि चीयर, किसी पर्सन को चीयर करना. करना वर्ब है, ये जरूर करना. चीयर किसको, हुम. किसी पर्सन को चीयर करना या किसी एक्शन को चीयर करने का मतलब है कि अक्लेम नाउन है. यहाँ चीयर भी नाउन है, प्रेज भी नाउन है, लेकिन ये तो वर्ब है ना, तो इस वर्ब का सिनोनिम देखो, प्रेज अप्लॉड ये हैं. और ये कैसे, मतलब बोल करके जो प्रशंसा करते हैं ना, तालियों वाले में तो क्या होगा, अप्लॉड, बोल करके कमऑन शाबाश, इस तरह की जो करते हैं वो होता है चीयर. ओके फ्रेंड्स, द सपोर्टर्स चीयर्ड द पीएम व्हेन ही केम ऑनटू द स्टेज. अब मैंने आज भी थोड़ा सा बढ़ाया है वर्ड्स, कल और बढ़ाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे जल्दी कर दूंगा. कई नए स्टूडेंट्स हैं, फिर वो घबराने लगेंगे, इतने वर्ड्स फिर दिमाग से निकलने लगेगा. लेकिन समझो, आपको वन, यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन. And in the national level competition, you have to work hard. You have to work really hard. उसके लिए आपको बहुत तपाना पड़ेगा. जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरह अगर आप मेहनत करें तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है जो आपको रोक दे. Okay friends, that's it for today. Take care of yourself. See you tomorrow.